हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रोमी आर्टिस्ट व्लॉग। सो नाहरगढ़ फोर्ट के लिए हमने टिकट ले लिया है, दो टिकट ले लिया। सो अभी चलेंगे नाहरगढ़ किले की तरफ। ये एंट्री है, यहाँ पे होटल के पर्सनल प्रॉपर्टीज़। सो ये एंट्री बिना टिकट के यहाँ पे भी नहीं होती। और जयपुर, जयपुर सिटी। सो आगे जाएंगे नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। ये कार्ट बनी हुई है एक, बहुत अच्छी सी, देखने में मज़ा आ गया। थोड़ा आगे चल के ये एरिया बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये पानी का तालाब है एक छोटा सा। बावड़ी बोलते हैं इसको, बावड़ी बावड़ी पता नहीं, बावड़ी बोलते हैं, है ना, वो बनी हुई है। नीचे जाने का भी रास्ता है। ये है नाहरगढ़ फोर्ट। अमेर से जयगढ़ आए थे, जयगढ़ के बिल्कुल ठीक पास ही नाहरगढ़ फोर्ट बना हुआ है। सो एंट्री इस साइड है, अंदर जाएंगे। एंट्री पे ये कुछ देखने को आम मिल जाता है जयपुर में। यहाँ पर बैठना मना है। सो मिन्ना का नक्काशी नाहरगढ़ के अंदर आगे बिल्कुल। इस यहाँ राज्य की नौ रानियाँ थी। ये क्या चीज बनी हुई है यहाँ पे, कर दे फोटो आपकी। कपड़े की आ जाओ। ये अच्छा बनाया हुआ है काफी ना। यहाँ फोटो करें आपकी। ये तो बाद में सजावट करके रखे हुए हैं। अभी ये खाली है अभी फोन। क्या बना हुआ है? अच्छा इधर देखो, यहां से देखे ना इसको। एक मिनट लेना है क्या इसको साथ? आप बताओ अंकल। आप इंडिया को नहीं आवे? ओके ओके। राजा का नाम था माधो सिंह। माधो सिंह, ठीक है। माधो सिंह के नौरानी थी, नौरानियों के लिए बनवाया था। चार पोर्शन इस लाइन में है, तो चार पोर्शन बिल्कुल सामने, ठीक है। सबसे बड़ी रानी का बीच में। अच्छा है, नौरानियों के सबके सेम है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। हर पोर्शन में कोई ना कोई सामान लगा मिलेगा आपको। ये मॉडर्न आर्ट का है, कंपनी वाले लगा के गए, महल से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, सबसे पहले दिखाएंगे आपको किचन। ठीक है, उधर का जो कमरा है वो स्टोर रूम में, किचन का सामान उसमें रखते हैं। किचन का सामान उधर, ठीक है। ये तो अच्छा ही नहीं लगा के, जो भी लगा के मॉडर्न आर्ट वाला, अंग्रेजों का 20 दिन पहले लगाया। ये बाहर के दो कमरे हैं, सर्वेंट दासियों के कमरे, एक रानी के पास में दो दासी रहती है। ये रानी का सर्दी का बेडरूम है, तो गर्मी का बेडरूम। अच्छा, अलग अलग होते थे, गर्मी का हवा लगती थी। ये दासियों के कमरे आसे पास है। इसको बंद इसलिए कर रखा है, जो मॉडर्न आर्ट का सामान है ना, ये खुला पड़ा है नीचे।
इसलिए बंद कर। यार ये करवाना नहीं चाहिए था, अच्छा लगाते फिर भी। ऊपर वाला पोर्शन वो बिल्कुल होगा, आइए ऊपर का पोर्शन। चलो वो तोप तोप सारी करवा देना ऊपर। जैकेट में वो तो जैकेट में। अच्छा नहीं ऊपर किला हुआ जो सारा शहर दिखता है। हाँ हाँ वो दिखा दिया। जूती चप्पल रखने की जगह। अच्छा अच्छा कुछ इधर इधर आ गई वो चिमनी। वाह ये मेकअप रूम। अच्छा मिरर लगा हुआ है। ये रानी का मेकअप रूम आ गया। ठीक है अब आपने सुना है दीवारों पे कान होते हैं, दीवारें बोलती हैं। इस जगह मैंने दीवार के कान लगाए। अरे अंकल ने बोला सुने सुनो ना पूछ बोलो यहाँ पे बोलो। सुन रहे ओके भीड़ की वजह से नहीं हमारी। ये है आपस में रानी से रानी का मिलने का रास्ता। रानी से रानी मिलती थी लेकिन इसमें राजा नहीं चलता। अच्छा क्यों? ये राजा का गलियारा। अच्छा ये रूल होते थे। आपका कैमरा नहीं थी। कैमरा 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 फोटो लेंगे। हाँ 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 सो गाइड वाले अंकल बहुत अच्छे हैं। पटरानी का चार पोर्शन अलग अलग है। हाँ ये अंकल इधर साइड क्या है? चार पोर्शन। अच्छा या फोटो कर दो अंकल हमारी। यहीं से गए थे क्या? सारे सेम मिलेंगे आपको। अच्छा ये पोर्शन अलग अलग है। अच्छा मुझे ये लग रहा है एक ही है, एक ही एक में जा रहे हैं। अच्छा लड़ाई झगड़ा ना हो इसलिए भाई भेदभाव ना हो कि हमारा अच्छा नहीं है इसका अच्छा है। ये देखो गाइस सेम पोर्शन। अच्छा वो उतरने का या चढ़ने का? इधर से उतरने को उतरने का। ठीक है अब आपका कैमरा मेरे को दीजिए मैडम। पूरा व्यू दिखता है जयपुर का व्यू ही देख रहे हैं सब। अच्छा चले इधर से आप जाए आप हाँ नहीं छत पे मिल जाते हैं। अच्छा आप यहाँ रुकोगे? बस और नहीं है और नहीं है कुछ है? आओ इधर आओ एक फोटो और कर दो बस। हमारी लाइन लगी हुई है ऊपर का व्यू जयपुर का व्यू देखने में। अंकल को 100 रुपीज दिए थे 5 मिनट में दिखा दिया इसने तो। गाइड बहुत जरूरी है बाहर आके। ये देखो गाइस तो तोप वगैरह बनी हुई है। ये जयपुर का व्यू। आया किसी
पूरा जयपुर दिख रहा ना यहाँ से। ये गाइस पूरे जयपुर क्या बिल्डिंग्स है ना।